हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन, दो डिब्बे में 7:5 के अनुपात में चॉकलेट है। कितने के अनुपात में? 7:5 के अनुपात में चॉकलेट है। यदि दोनों डिब्बों में चॉकलेटों की संख्या का अंतर 28 है, अंतर कितना है? 28। अनुपात में कितने का अंतर है? 2 का, 28/2, तो 1:14 हो जाएगा 14। तो अधिक संख्या वाले डिब्बे में चॉकलेटों की संख्या, अधिक संख्या वाले का अनुपात कितना है? 7:14, 14 × 7 98 चॉकलेट। आगे देखिए स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 5 की घात 3 × 5 की घात 4 × 5 की घात 2, 5 की घात 3 × 5 की घात 4 × 5 की घात 2। तो बेस समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएगी। तो 5 की घात 3 + 4 + 2, 5 की घात 9। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यदि तीन संख्याओं का अनुपात 5:6:8 है तो उनके वर्गों का योग 1250 होगा, तो उन संख्याओं का गुणनफल, तो ये हो जाएगा 5x² तो 5x² 5x हो जाएगा तो इसका हो जाएगा 25x² प्लस से दूसरा हो जाएगा 36x² प्लस तीसरा हो जाएगा 8×64x² बराबर 1250, तो ये हो जाएगा 125x² बराबर 125x² बराबर 1250x² बराबर हो जाएगा 10। अक्ष बराबर हो जाएगा √10, अक्ष बराबर √10, तो उन संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा 5 × 6 × 8, 8 × 6 = 48, 48 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240, 240 अक्ष क्यूब, तो 240 × √3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 240 × 10 × √3, तो हो जाएगा 2400√3। आगे देखिए तीसरा, आगे देखिए चौथा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एक मोटर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है और प्रत्येक 2 घंटे बाद इसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से बढ़ती है। पहले 2 घंटे में इसकी चाल हो जाएगी 2 × 60 बराबर 120 मीटर की दूरी तय। अगले 2 घंटे में 2 × 75 150 मीटर की दूरी, तो पूरी दूरी हो गई 270 की। फिर अगले में 90, फिर अगले में कितने की? 270 की हो गई, कितना बचा? 90। तो आगे 1 घंटे में 90 की से दौड़ेगी तो 90, तो ये हो जाएगा 360। तो कुल कितना समय लगेगा? 2 × 2 = 4 = 1, 5 घंटे में कितनी दूरी? 360 किलोमीटर की दूरी। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यदि अक्ष और वाई संख्याएं x 1 1 5 अक्ष y के ऐसे दो अंक है जिनका की संख्या 90 से विभाजित है, 90 से विभाजित होने के लिए 9 × 10, तो 10 से विभाजित होने के लिए आखिरी में 0, तो y का मान आ जाएगा y बराबर 0, तो हो जाएगा 1 1 5 अक्ष और 0। अब 9 से विभाजित होने के लिए संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो संख्याओं का योग 5 × 1 = 6 × 1 = 7, तो अक्ष बराबर आएगा 2, अक्ष बराबर आ जाएगा 2, तो ये संख्याएं हो जाएगी x प्लस वाई का मान 2 + y = 0 = 2। आगे देखिए स्टूडेंट्स छठवां क्वेश्चन, किसी रियायती बिक्री में 10,490 के अंकित मूल्य वाली एक साड़ी अब 9,441 में बेची जाती है तो साड़ी में कितने प्रतिशत की छूट? तो 10,490 माइनस 9,441, तो 10 10 में से 1 गया 9, 8 8 में से 4 गया 4, 4 में से 4 गया 0, 10 में से 9 गया 1,
1049 की छूट, 1049 बटा 10,490 इंटू 100, 0 से 0, 1049, 1049 10% की छूट। आगे देखिए स्टूडेंट, सातवां क्वेश्चन, समीकरण x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0, के बराबर 0 के मूलों में से एक मूल x बराबर 3 तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। तो समीकरण कौन सा है? x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0, तो एक मूल की तो मूलों का योग हो जाएगा a प्लस b बराबर माइनस बी बटा ए, तो 3 प्लस b बराबर माइनस, और माइनस का 12 दे रखा है, बटा a का मान 1, तो ये हो जाएगा b बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3 बराबर 9। आगे देखिए आठवां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 1280 की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो मूलधन कितना है? 1280, दर कितनी है? 5%, समय कितना है? 3 वर्ष बटा 100, 0 से 0, 5 एकम 5, 5 से 2 बार, 128, 2 से जाएगा 64, 64 × 3, तो 3 चौक 12 का 2 हासिल की 1, 37, 18 और 1, 19, 192 रुपये साधारण ब्याज। धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा।